बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का रियाल का रेट है जी, एंड दरहम का रेट भी। वैसे मैं ना वो शेयर कर दूंगा जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा। वैसे हाँ, मैं एक भी एक कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था, दरहम डॉलर रियाल एंड गोल्ड। कितनी चीज़ें होगी? चार चीज़ें, दरहम डॉलर रियाल और गोल्ड, यानी कि सोना। परदेसी भाइयों के लिए बेहतरीन चीज़ होती है, इनमें किसी में भी आप इन्वेस्ट कर लें। मैं ये बोलता हूँ, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का काम अक्सर परदेसी भाई करते हैं। अच्छा है यार, मैं ये नहीं बोलता बुरा है। अभी दरमियान भी मुझे मैसेज आ रहे हैं परदेसियों के, लेकिन ना प्रॉपर्टी में आपको पता है, जो गैर मुल्की मेरे परदेसी भाई हैं भाई, हमारे साथ हाथ भी बहुत हो जाते हैं। बहरहाल जी, आपको मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा था कि मैं अभी कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था इसी के मुतलक। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को 2-3 घंटे के बाद वीडियो लगा दूंगा, वो जिसमें हम रियाल, दरहम, डॉलर एंड गोल्ड, भाई इस वक्त क्या रेट है, किस में इन्वेस्ट करें, क्या फ़ायदा है, क्या क्या सूरत हाल है, वो आप परदेशियों के साथ शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा, आज की जो अभी का जो आज का रेट है रियाल का, उससे आपको अपडेट करता हूँ मैं। पहले तो डॉलर आपको शायद मैं दिखा रहा हूँ, मैं 278 पे प्लस में ही जा रहा है जी, और 277 पर आ चुका था, ये अभी 278 पे प्लस में, यानी कि 1.5 रुपये डॉलर महंगा हुआ है ये चंद दिनों में। अगर रियाल रेट की बात करें तो भाई वो भी आपको ओपन मार्केट का रेट पहले दिखा रहा हूँ मैं, 73/30 तो भाई HBL दे रहा है। प्राची एक्सचेंज वह मैं देख रहा था, वो भी 73/20-30 के अराउंड में है। और आप दरहम के ऊपर एक दफ़ा नज़र करें, जो कि 2 रुपये महंगा है रियाल की निस्बत। और अगर आप में से कोई मेरा परदेसी भाई ये दमाम वाली पट्टी के ऊपर बैठा हुआ है ना, दमाम, बुकेक, अल हासा, अल हफूफ, अल अयून, मैंने 2 साल काम किया हुआ इन इलाकों में, तो भाई वहाँ पर कतरी रियाल भी चलते हैं, दरहम भी चलते हैं और सऊदी रियाल भी चलते हैं, सेम एक ही रेट होता है। तो भाई एक ही रेट के साथ कोई डिफरेंट नहीं होता है उस पट्टी में। अच्छा जी, दरहम का रेट मैंने आपको साथ में इसलिए दिखा रहा था, नेक्स्ट वीडियो में इसके मतलब बात कर लेंगे। अगर आज के ये ओपन मार्केट का रेट हो गया, इससे कम अगर आपको कोई दे रहा है तो मत एक्सचेंज करवाएं। और 73/50 तक रेट है पाकिस्तान ओपन मार्केट में अगर आप घूमेंगे तो। अच्छा जी, अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें तो इनमें आज मनीग्राम का जो रेट रहा वो 73 रुपये 35 पैसे। भाई मनीग्राम के, अगर आप पाकिस्तान में मनीग्राम की आम शाहें हैं, मनीग्राम से आप सेंड करते हैं, तो 73 रुपये 35 पैसे रेट मनीग्राम का है भाई, 10, 17 और 23 रुपीज़ के साथ। अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक की हम बात करें तो भाई इनका आज का रेट 73 रुपये 34 पैसे रहा, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। वेस्टर्न यूनियन की अगर बात करें तो वेस्टर्न यूनियन का आज का रेट 73 रुपये 65 पैसे, हाई रेट दे रहा है वेस्टर्न यूनियन, और 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर तहवीर राजी राजी बैंक से आप भाई भेजना चाहते हैं तो इनका आज का 73 रुपये 34 पैसे रहा, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर STCPA की बात कर लें भाई, तो इनका आज का 73 रुपये 38 पैसे अच्छा रेट है, और 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर फौरी बैंक, बैंक जजीरा की हम बात करें भाई, तो इनका आज का 73 रुपये 52 पैसे रहा, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर आप भाई इंजाज बैंक से भेजना चाहते हैं तो इंजाज बैंक आज का रेट दे रहा है 73 रुपये 42 पैसे, और 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर हम क्विक पे की बात कर लें तो 73 रुपये 49 पैसे, और अगर आप फ्रेंडी के थ्रू भाई भेजना चाहते हैं तो फ्रेंडी का आज का रेट 73 रुपये 29 पैसे है, और 10, 17 और 23 रियाल इन बैंकों की भी फीस होती है।